हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक पुराना किस्सा शेयर करने जा रहा हूं। जब मेरी उम्र आई गेस 17 साल थी, 17 इयर्स का था मैं, और उस समय रिपेयरिंग के बारे में कोई ख़ास जानकारी मुझे थी नहीं, और ये सोल्डरिंग आयरन चलानी आती थी। सोल्डरिंग आयरन जो है, मैं 16 इयर्स की एज से चला रहा हूँ, और अब चला रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि सोल्डरिंग करने में मैं प्रोफेशनल था, लेकिन यह है कि सोल्डरिंग ठीक ठाक हो जाती थी और मेरा हाथ नहीं जलता था इसको इस्तेमाल करने में। और कुछ है तो 2-3 सोल्डरिंग आयरन मेरे हाथ में ब्लास्ट भी हो चुकी हैं, यानी कि शॉर्ट सर्किट मेरे हाथ में ही हो गया था, तार चल गया था। तो ये सारी चीज़ें भी हो चुकी हैं कम उम्र में, जब हम 17 साल के थे और 18 साल के थे तब। तो खैर वो तो अलग बात है, बाकी ये मुझे इस्तेमाल करना नहीं आता था उस वक्त। सीधी सी बात है, रिपेयरिंग ही नहीं आती थी तो ये कहाँ से आएगा। तो इसमें मुझे कुछ भी नहीं पता था कि डायल कहाँ घुमाने पे क्या होता है, और ये था भी नहीं शायद उस वक्त। तो ये मैंने बाद में लिया था, जब मैंने थोड़े इसके ट्यूटोरियल्स वगैरह ऑनलाइन सर्च कर लिए थे, जान लिया था कि इससे क्या होता है, ये कैसे चलता है। ठीक है, तो एक समय की बात है जब मैंने एक सेकेंड हैंड कंप्यूटर लिया था, 1800 में लिया था, और उसमें ड्यूल कोर प्रोसेसर था, LGA 775 सॉकेट वाला मदरबोर्ड था, मरकरी का। ठीक है, तो कुछ टाइम तक वो बढ़िया काम करता रहा, चलता रहा, और फिर मैंने जो है एक 700 रुपए का आई थिंक ग्राफिक्स कार्ड लिया था। तो आप सोच रहे होंगे 700 रुपए का ग्राफिक्स कार्ड इतना सस्ता कहाँ से मिल गया। तो सस्ता तो मुझे मिल गया था, यूज्ड मैंने ख़रीदा था, ये तो मैं भी एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन वो कोई ऐसा पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड नहीं था। उसकी कंडीशन जो है GT 610 से भी कमज़ोर थी। जो GT 610 है, GT 610 710 से कमज़ोर है, और वो 610 से भी कमज़ोर था। तो आप उसे एक वीडियो एडाप्टर के तौर पर ही कंसिडर कर सकते हैं। बट ये था कि हाँ, वो मेरे इंटेल के जो ग्राफिक्स थे, HD ग्राफिक्स, उससे बेटर था। तो इतना था, तो मुझे ग्राफिक्स कार्ड 700 रुपये या उससे कुछ कम का मिल गया था। मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया था, आप चाहें तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ टाइम बाद होता यह है कि मेरा PC चलता नहीं है। मैं सवेरे उठता हूँ और PC ऑन करता हूँ, और देखता हूँ कि PC ऑन नहीं हो रहा है। फ़ैन जो है इस तरह से ऐसे घूम रहा है धीमा धीमा। ठीक है, और जब पावर मैं ऑन करता हूँ, फ़ैन तो घूमता है, फ़ैन पावर सप्लाई का भी घूमता है, लेकिन दोनों ही फ़ैन ऐसे धीमे घूम रहे होते हैं। प्लस जो कैबिनेट पे जो फ्रंट की तरफ, आगे की तरफ जो लाइटें होती हैं रेड और ग्रीन, वो बहुत डिम चल रही हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन मुझे ऐसा डाउट हो रहा था कि प्रॉब्लम मे बी पावर सप्लाई से रिलेटेड है। तो मैंने उस टाइम जो है, अब उस टाइम पे जो है, मैं 2G इंटरनेट इस्तेमाल करता था क्योंकि जियो नहीं आया था। ठीक है, तो जियो कुछ टाइम बाद आ गया था, लेकिन एग्जैक्टली उस टाइम पे आया नहीं था। और सिम जो है, जब शुरू शुरू में आया भी था तो बहुत उसके लिए लोग जो है लाइन में लगते थे। जिसको जियो का सिम मिल जाता था, उसको ऐसा लगता था कि वो कोई जंग जीत के आ गया है, क्योंकि बहुत भीड़ लगी रहती थी जियो के सिम के लिए। और कितनी बार तो पुलिस ने मारा पीटा भी है जो लोग लाइन में लगे थे। इनफैक्ट मैं भी एक बार लाइन में लगा हुआ था, तो पुलिस वालों ने आके खूब लाठी लाठी मारी थी हम लोगों को, और सब लोग भाग गए थे। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थीं। तो उस टाइम जियो था नहीं, तो मैं डोकोमो का, टाटा डोकोमो का 2G चलाता था। तो उस पर वीडियो तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन आर्टिकल पढ़ सकते थे। तो कुछ आर्टिकल हमने पढ़े, तो ये पता चला कि पावर सप्लाई के जो कैपेसिटर होते हैं वो इस तरह से फूल जाते हैं। तो ये चीज़ उससे रिलेटेड तो नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि कुछ क्लोज हम इसके चले जाएंगे ये जानकारी लेके। तो उस आर्टिकल में यह बताया गया था कि एक ख़राब कैपेसिटर की निशानी यह होती है कि इसका सरफेस ऊपर से उठ जाता है। जैसे ये पावर सप्लाई है, इसमें यह कैपेसिटर ख़राब है। ये देखिए फ्लैट सरफेस, ये देखिए फ्लैट सरफेस, और ये देखिए सरफेस ऊपर उठ चुका है। ठीक है, मैं पास से दिखाता हूँ। अगर ऐसे करके मैं आपको दिखाऊँ तो सरफेस ऊपर से उठा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये कैपेसिटर ख़राब है। कभी कभी कैपेसिटर, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं, इनमें कुछ भी नहीं होता, ये ड्राई हो जाते हैं, अंदर से सूख जाते हैं, तो भी ये ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अगर ये फूल गए हैं तो आप समझ जाइए कि ये ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना स्क्रू ड्राइवर लिया, अपना कैबिनेट खोला, पावर सप्लाई खोली और पावर सप्लाई को चेक किया। तो
यहाँ का कैपेसिटर फूल चुका था। तो ये जो लोकल पावर सप्लाई होती है, इनका जो डिज़ाइन होता है वो लगभग आइडेंटिकली होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी सेम वो दो कैपेसिटर लगे हुए हैं और यहाँ पे यहाँ से तार जा रहा है। इसका डिज़ाइन हल्का सा फ़र्क है, लेकिन देखिए यहाँ पे भी दो लगे हुए हैं। तो जो उस टाइम पे जो पावर सप्लाई लगी थी लोकल ही लगी थी, यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे थे और एक का सरफेस ऊपर से फूल गया था। तो मैं गया दुकान जहाँ पे टीवी वगैरह रिपेयर होते हैं, ये कैपेसिटर मैंने पावर सप्लाई से निकाला, कुछ इस तरह का कैपेसिटर था उसको मैंने निकाला और इस पर जो यहाँ पे 200 वोल्ट और 330 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर लगता है, ठीक है, तो ये भी सब 200 वोल्ट और 330 के ही हैं। तो मैंने उनको रीडिंग बताई, कहा कि ये वाला कैपेसिटर चाहिए, तो उन्होंने मुझे ये वाला कैपेसिटर दिया था। कहा था कि हमारे पास 330 माइक्रोफेरेट तो नहीं है, उस टाइम मुझे माइक्रोफेरेट शब्द भी नहीं पता था, तो मैं इसको UF बोलता था क्योंकि ये U जैसा दिखता था, तो मैं कहता था 330 UF और 200 वोल्ट का कैपेसिटर दे दीजिए। तो उन्होंने मुझको ये एक टीवी के बोर्ड से निकाल के दिया था और वो कह रहे थे कि ये ले जाओ, ये भी उसकी जगह काम कर जाएगा। और तब मुझे ये नहीं पता था कि ये कैपेसिटर एक बहुत अच्छे ब्रांड से आता है, ये नीची कौन से आता है, देखिए ब्रांडिंग यहाँ पर है, तो ये नीची कौन का कैपेसिटर उन्होंने दे दिया था और काफ़ी बढ़िया कैपेसिटर था। तो इसका माइक्रोफेरेट कम भी था, लेकिन उसके बावजूद भी जो पावर सप्लाई है वो चलने लगी थी। तो मैं जब घर आया, मैंने ये कैपेसिटर रिप्लेस कर दिया, वो वाला निकाल दिया, ये लगा दिया और एग्जैक्टली यही वाला लगाया था। अब तो इतने साल हो गए हैं, इसको मैंने बाद में निकाल के अलग से रख लिया था क्योंकि अब मैं वो पावर सप्लाई इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक सेकेंड, हमारा फ़ोन जो है वो टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कैपेसिटर मैंने निकाल के लगा दिया था, मतलब वो वाला निकाल दिया था और ये वाला लगा दिया था। उसके बाद मेरा पीसी चलने लगता है, एकदम दौड़ने लगता है मक्खन जैसा, कोई दिक्कत नहीं, सारी दिक्कत चली जाती है और मैं बड़ा खुश हो गया। तो मैं अपने एक मित्र को जानता था जिनका पीसी डेड हो चुका था, उसने मुझे बताया था, ठीक है। तो मैंने उससे संपर्क किया, उसको फ़ोन किया, मैंने उसको बताया कि भाई तुम्हारा पीसी जो है डेड हो गया है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारा पीसी चेक कर सकता हूँ। अब उस समय हम दोनों की ही उम्र जो है काफ़ी कम थी। वो कहने लगा, अबे तुम मेरा पीसी खोलोगे ना, मम्मी डांटेंगी, मेरी पापा भी डांटेंगे, कहेंगे घर में कंप्यूटर खोल के रख दिया। तो इस तरह की हम लोगों की बातें हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था। तो मैंने उसको बताया कि भाई देख, मैंने तो ऐसे रिपेयर कर लिया और मुझे लग रहा है कि तुम्हारा पीसी भी जो है पावर सप्लाई की वजह से ही डेड है। हालांकि जो हमारे मित्र थे उनको कंप्यूटर की कोई ऐसी खास जानकारी थी नहीं, उनके लिए कंप्यूटर उनका जो है एक बॉक्स था जो कि काम करता था, और उनके घर में भी नहीं थी किसी को कोई ऐसी खास जानकारी, तो उनका कंप्यूटर जो है बिल्कुल डेड हो गया था, कम्प्लीटली डेड। अब उनको ये लग रहा था कि डेड हो गया तो मतलब बहुत बड़ी समस्या हो गई है, तो किसी टेक्नीशियन को दिखाना पड़ेगा और टेक्नीशियन अच्छे खासे पैसे लेगा क्योंकि पीसी हमारा बिल्कुल डेड हो चुका है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, पीसी डेड मोस्ट ऑफ द टाइम दो रीज़न की वजह से होता है, एक आपकी पावर सप्लाई ख़राब होती है, एक आपका बोर्ड ख़राब होता है, ठीक है। जब बोर्ड ख़राब होता है तो बोर्ड में अधिकतर बार क्या होता है कि उसका VRM शॉर्ट हो जाता है, इसलिए बोर्ड ख़राब होता है। लेकिन जब भी बोर्ड का VRM शॉर्ट होता है और बोर्ड ख़राब होता है, तो होता यह है कि आप पावर बटन प्रेस करेंगे और ये जो फ़ैन है ये हल्का सा ऐसे ऐसे मूव करेगा, आप जैसे ही पावर बटन दबाएंगे एक बार तो एक बार ये ऐसे हो के रुक जाएगा। लेकिन अगर आपकी पावर सप्लाई डेड होगी तो ये कुछ भी नहीं घूमेगा, ये कुछ भी मूव नहीं करेगा, पावर सप्लाई से करंट आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आपका बोर्ड ख़राब है तो ये हल्का सा मूव करता है। तो एक रफ़ आइडिया मिल जाता है कि पावर सप्लाई ख़राब है कि बोर्ड ख़राब है, ठीक है। तो उस समय लेकिन मुझे ये कोई जानकारी नहीं थी, जैसा कि मैंने बताया उस समय रिपेयर करना नहीं आता था, उस समय ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे ये डायोड लगे हैं और ये डायोड मिलके एक फुल ब्रिज रेक्टिफायर बना रहे हैं, तो कुछ भी नहीं पता था उस टाइम पे। तो मैं उसके घर गया, मैंने उससे कहा कि देखो भाई ऐसा है कि हम तुम्हारा कंप्यूटर जो है चुपके से खोलते हैं और खोल के पावर सप्लाई निकाल के फिर से पैक कर देंगे कंप्यूटर। तो चुपके से खोलेंगे, पावर सप्लाई निकाल के पैक कर देंगे और पावर सप्लाई को तुम मेरे घर ले आओ, अगर मेरे पीसी में तुम्हारी पावर सप्लाई डेड साबित होती है, मतलब डेड निकलती है, मेरा पीसी नहीं ऑन होता है, तो इट मींस कि तुम्हारी पावर सप्लाई ख़राब है, तो ये हमें पता चल जाएगा। बाकी
पावर सप्लाई खोल के निकालने में तुम्हारा पीसी ख़राब नहीं होगा, जैसे निकालिए वैसे ही लग भी जाएगी। तो ये बातें मैं उसको समझा रहा था, तो हम लोगों ने ये सब कुछ किया कि पावर सप्लाई चुप्पे से खोली और मैं अपने घर ले आया। ठीक है, उसके बाद हुआ ये कि अपने घर ला के मैंने पीसी जो है अपने पीसी में लगाई और पावर सप्लाई उसकी सही में ख़राब थी, डेड थी उसकी पावर सप्लाई, तभी उसका पीसी जो है नहीं चल रहा था। अब मैंने कहा कि चलो अब इस पावर सप्लाई को खोलते हैं, तो वो कहने लगा यार कुछ ख़राब तो नहीं होगा। मैंने कहा पहले से ही ख़राब है और कितना ख़राब हो जाएगा, डेड हो चुकी है पावर सप्लाई, अब इससे ज़्यादा और क्या ख़राब होगी। तो मैंने पावर सप्लाई को खोला, मैंने कहा कि पावर सप्लाई वैसे भी तुमको नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है ये रिपेयर हो जाए, ठीक है, और अगर हम इसमें कुछ कर देंगे तो इसको पैक वैसे ही कर देंगे, तुम्हारे कंप्यूटर में लगा देंगे जाके। तो वो भी थोड़ा थोड़ा डर रहा था कि यार कुछ दिक्कत ना हो जाए, लेकिन हुआ ये कि जब पावर सप्लाई खोली तो कैपेसिटर तो सारे सही थे, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक फ्यूज़, ठीक है, ये फ्यूज़ यहाँ पे, ये फ्यूज़ इधर दिया हुआ है, तो इसका फ्यूज़ जो है वो जल चुका है, इसका फ्यूज़ भी जला हुआ है और इसका कैपेसिटर भी ख़राब है। तो उसकी पावर सप्लाई का फ्यूज़ भी कुछ ऐसा ही था, काला पड़ चुका था, और ये वाला फ्यूज़ आप देख सकते हैं सही है, चमक रहा है। तो अब फ्यूज़ जब ख़राब होता है तो उसके कई रीज़न होते हैं, या तो कुछ शॉर्ट हुआ है यहाँ पे, कोई मॉस्फेट ख़राब हो गया है, कोई मॉस्फेट शॉर्ट हो गया है, उसके शॉर्ट होने की वजह से जो है ये फ्यूज़ जो है शॉर्ट हो गया है। लेकिन उस समय जैसा कि मैंने बताया, मुझे तो इतनी ज़्यादा जानकारी थी नहीं रिपेयरिंग की, तो मैंने क्या किया, ये उसका फ्यूज़ निकाला और फ्यूज़ निकाल के फ्यूज़ को ही खोल दिया। चाहते तो यहाँ पे तार भी लगा सकते थे, लेकिन फ्यूज़ खोला, फ्यूज़ के अंदर एक पतला सा तार डाला और फ्यूज़ जो है फिर उसे लगा दिया। लेकिन इतना करने से उसकी पावर सप्लाई ठीक हो गई, अपने कंप्यूटर में टेस्ट किया, पावर सप्लाई चलने लगी, फिर खुशी खुशी जो है उसके घर ले गए, पीसी पैक किया, पीसी दौड़ने लगा, मज़ा आ गया सब कुछ देख के। तो इस तरह की चीज़ें हमने करी थी और यही सारी चीज़ें थी। हाँ, कुछ एडिशनल चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ के जब कैपेसिटर फूल जाते हैं या वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो गेम खेलते वक्त अचानक से सडनली पीसी बीच में बंद हो जाता है। बीच में बंद होने के और भी कई रीज़न हो सकते हैं, काफ़ी बार ये AIO कूलर की वजह से भी होता है, लेकिन पावर सप्लाई चाहे सस्ती वाली हो, चाहे थोड़ी महंगी हो, चाहे एनटेक या कोर्सेर की हो, अगर पावर सप्लाई अच्छे खासे वॉट की है और ये दिक्कत आ रही है, तो काफ़ी बार कैपेसिटर रिप्लेस करने से या एक्स्ट्रा कैपेसिटर इन्हीं के साथ पैरेलल में कैसे जोड़ना है, जैसे ये इनका पोर्ट है, ये माइनस वाली साइड है, ये प्लस वाली साइड है, तो यहीं से एक पीछे से तार निकाल के माइनस का दूसरे कैपेसिटर का यहीं पर रखना है, प्लस का यहीं पर रखना है, पैरेलल तरीके से जोड़ देने से क्या होता है कि वो दिक्कत चली जाती है, आप गेम खेलेंगे तो पीसी बंद नहीं होगा बीच में। तो ये चीज़ें होती हैं, तो तब तो मुझे नहीं मालूम था ये, लेकिन अभी फ़िलहाल ये सारी चीज़ें मालूम हैं। तो ये थे हमारे कुछ किस्से पहले के। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।